सदके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। नहीं बोलेंगे, भूल जाते हैं आप, क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो बहुत हैंडसम लगते हैं आप, बहुत खूबसूरत लगते हैं, और दूल्हा भाई बहुत तेजी से मुस्कुरा रहे हैं। अदब की महफिल है, अगर टोपी हो तो टोपी से ढांप लें सर को, और रुमाल हो तो रुमाल से ढांप लें। वरना किसी शायर ने लिखा है, दोस्तों न अमरीका न रूस न जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। न अमरीका न रूस न जापान की टोपी, सब देख के हैरान है मुसलमान की टोपी। अगर मेरी मेरे आवाज आप तक पहुंची है तो टोपी घर से ले आए, बहुत अच्छा होगा। वरना शायर ने लिखा है, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी जब तक पैरों में मेरे जंजीर डालेगी, मुसलमानों सरों पे टोपियां रखकर निकलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। नामे नबी के सबके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया, और जब भी लिया मैंने महफिल में अहमद रजा का नाम। सारी जमात मेरे साथ हो गई। शेर को अगर सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह। नामे नबी के सदके कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया, और जब भी रखा मैंने सामने कुरान को खोल कर, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। दरवाजे पे खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे ये सेला थान की उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती, और कैसे मिलेगी उसको माँ के कदमों के तले जन्नत, जिसे अपने घरों की बेटियां अच्छी नहीं लगती। मरकर तेरे नाम पे मेरी शहादत हो गई, मौत भी अब जिंदगी से खूबसूरत हो गई, सो गया था माँ की पेशानी को बेटा चूम कर, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। इस बच्चे ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा है, लेकिन 55 साल का काम किया है। अब आप अंदाजा लगाएं, इसके बचपन का ये आलम है तो 55 का क्या आलम होगा। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर शहकारे तरन्नुम, मद्दाहे रसूल बागे तैबा के फूल, भाई मोहतरम रियाज रजा नईमी पूरी शाने शायरी के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। खतीबे बाकमाल वाइज़े शीरी मुकाल, खतीबे आजम हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ कारी शफीकुल कादरी साहिब क़िबला, पूरी शाने खिताब शाने खिताबत के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कारी कुरान तलीकुल निसान माहिरे तजवीदे बयान हजरत हाफिज़ कारी मखसूस साहिब क़िबला, पूरी शाने शायरी के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं खतीब इमाम नूरानी मस्जिद सिलसिला दोराहे से चलकर आपके इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ ले आए हैं। इन तमाम उलमा इकराम के कदमों से लिपट कर फारूक रिज़वी एक शेर देना चाहता है, अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से कह दे, या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का, पूछा मैं चांद से कि इतना हसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का, बोला कि मैंने चूमा है तलवा रसूल का। तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, मेरी लहद में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूँ दरूदो सलाम की, आदत बना रहा हूँ दरूदो सलाम की। आइए भाई मोहतरम कारी मखसूस साहिब क़िबला का इस्तकबाल नारे रिसालत की झनकार से कर ले, इस अंदाज में दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे कि जहाँ गुलामे नबी तिश्ना काम बोलते हैं, वहाँ साकी तो साकी जाम बोलते हैं, और जबान कटने का खतरा जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। नारे से इस्तकबाल कर ले, नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया, नारे नारे रिसालत इसके रसूल पाक कजा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग।